सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्वेश्चन पेपर। तो बताइए, कोशिका की खोज किसने की थी? आपके पास 3 सेकंड है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। कोशिका की खोज किसने की थी? रोबोट हुक, स्लाइडन, स्वान व अरस्तु। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, रोबोट हुक ने कोशिका की खोज की थी। फिर अगला आंसर है आपके क्वेश्चन आता है, किस कोशिका में केंद्रक सुगठित या झिल्लीबद्ध रहता है? किस कोशिका में केंद्रक सुगठित या झिल्लीबद्ध रहता है? प्लीज़ फ्रेंड्स रिप्लाई दीजिए इसका। तो ये आपके होगा इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुगठित या झिल्लीबद्ध रहता है, अर्थात केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली रहती है, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली उपस्थित रहती है, ऐसी कोशिका आपकी कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें आपका आंसर होगा स्लाइडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, अर्थात बॉटनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? रोबोट हुक, स्लाइडन, अरस्तु या थियोफ्रास्टस। तो इसका आंसर होगा आपके थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो आपके जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। क्यों कहते हैं इसको जंतु विज्ञान के जनक? क्योंकि इन्होंने जंतु विज्ञान में 100 या 500 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम इस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे, इसीलिए इसे जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। अगला आता है जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक कौन है? जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक कौन है? तो आपके इसमें होगा अरस्तु। अरस्तु ही क्या है, बायोलॉजी के भी जनक है और जूलॉजी के भी जनक है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है। अगला क्वेश्चन आता है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज आपने की थी ल्यूवेन हॉक ने। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। अगला क्वेश्चन आता है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है? देखो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान के अंतर्गत तो सजीवों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों का, रसायन विज्ञान के अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है, और कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आपके कोशिका का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसे बोलते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत आपके कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पादपों का अध्ययन किस में किया जाता है? पादपों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान में आपके पादपों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। अगला, जंतुओं का अध्ययन किस में किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन आपके जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, वो आपके इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो जंतुओं का अध्ययन आपके जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, आगे आने वाली क्लास में आपको इसका आंसर बताऊंगा। ऐसे ही हमारे जो भी टॉपिक होगा उसका टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।